जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। हम लोग मिलत नगर रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की जगह पर जो है वो स्कूल कंडक्ट करते हैं। और हमारा जो ये था कि हमारे बारे में काफ़ी गलत बातें फैलाई गई कि हम लोग कब्ज़ा कर लेंगे और इस जगह को हड़प कर जाएंगे। उसी को क्लेरिफाई करने के लिए हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को और आप लोगों को बुलाया था। सर, किस तरह के आरोप आप लोग के लगे हुए हैं? जो आरोप लगाए हैं, कुछ तो आरोप लगे हैं आपके? हाँ जी, आरोप है हमारे ऊपर कि ये है कि हम लोग जिस जगह स्कूल चला रहे हैं वो स्कूल जो है इलीगल स्ट्रक्चर है और उस पर स्कूल चल रही है। मेज़नीन फ्लोर जो है उसकी हाल बोल ख़राब है और हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके मिल्लत नगर की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ सर, अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, अगर खराब होता है तो बीएमसी का एक सर्टिफिकेट होता है। आपने कुछ सर्टिफिकेट दिखाया है कि भाई ये सर्टिफिकेट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही है? स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आप गूगल करके देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के एसटीआर नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट ये बताता है कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है या 10 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए। वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। एक जो NOC का सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो NOC की तरफ से हमको वो जगह के लिए नहीं मिला है। वो जगह अभी रेगुलराइज नहीं है। सर, एक विषय है जिसमें वीडियो वायरल हुआ था जो आप बता रहे थे कि स्ट्रक्चर खराब है, कहीं जंग लग गया है, वो क्या विषय है, आप उस बारे में विस्तार बताइए। हाँ, मैंने बताया ना कि जो एक जिम के नीचे का एक हिस्सा है जिसमें वो जगह हम लोगों ने रिपेयर नहीं कर सके, वो जगह बाकी है। एक अच्छे से स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुला के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएंगे और वो जगह को जो है वो पूरी तरह से अच्छे से हम लोग बनाएंगे विद द परमिशन ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन। ये जो स्ट्रक्चर जो जिस तरह का जंग लगा था वो जो है फेडरेशन का जिम्मेदारी बनती है क्या? नहीं, फेडरेशन के अंडर में जिम है, उनको रिक्वेस्ट करके हम लोग जो ज़रूर जो है वो स्ट्रक्चर को भी कम्प्लीट करेंगे। उसी तरह का बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि आरोप लग रहे हैं आपको, तो खुल के बताइए ना, आरोप कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। मैं हाँ, आइए इधर आइए, इधर इधर आइए, आइए 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 इधर। एक और चेयर ले लो। कि जो मेज़नीन फ्लोर पे स्कूल चल रही है, कम्प्लीटली मेज़नीन फ्लोर पे चल रही है, जो इलीगल मेज़नीन फ्लोर है मिल्लत नगर जिम्नाजियम के ऊपर बना है, इलीगल है। और मेज़नीन है जो बिल्कुल वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, जिसके ऊपर BMC का कोई भी BMC का NOC ऑफ द प्रीमाइसिस नहीं मिला है। जो अभी बना है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो BMC से जो देते हैं वो एक B20-101 पे दिखाया है, वो डॉक्यूमेंट को फ्रॉड करके वो जगह का सर्वे कराया है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो नीचे से बिल्कुल सड़ गया है। दीमक लग के वो किसी के भी अंडर में हो वो सड़ गया है। 5 साल से जफर भाई को और समद भाई गवाह है, सभी लोगों को बोला कि ये स्ट्रक्चर को सही करो, ये स्ट्रक्चर को सही नहीं किया गया है। और बच्चे वहाँ पे आप चल के अभी उसको कवर करिए, मैं जिम ओपन करता हूँ, पूरा नीचे से सैग हो गया है। वहाँ पे अगर बच्चे गिर के मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर वही के फेडरेशन के अंडर में है, फेडरेशन को बनाना चाहिए, एसोसिएशन नहीं। यहाँ पे बच्चों का जान का प्रॉब्लम है। और जो NOC है, NOC आपको मैं वो NOC के डॉक्यूमेंट आपको मैं देता हूं, आप उसको प्रूफ करिए, आप उसको भेजिए कि जो BMC से NOC मिली है वो, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो NOC डाली है वो एक डिफरेंट है। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खास करके यहाँ पे आया कि लोगों में ये गुमराही ना हो, ये ऑब्जेक्शन और जो मुद्दा है वो समझे, ये डाइवर्ट ना हो। यहाँ बच्चों का एजुकेशन का इश्यू है, बच्चों की सेफ्टी का इश्यू है। और दूसरी चीज ये है कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज 4th स्टैंडर्ड तक है, ये स्कूल रिकॉग्नाइज 4th स्टैंडर्ड तक है। एक मिनट, और ये 10th स्टैंडर्ड तक चल रहा है। एक बार इनके सवालत हो जाए तो फिर आप मुझको जवाब देना जी, इनके सब सवालत पूछ ली। 4th स्टैंडर्ड तक है और वो 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल चल रहा है। ये मेन इश्यू है बच्चों की सेफ्टी का और बच्चों की सिक्योरिटी का। और रिकॉग्निशन जो है वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। फायर का ऑडिट हुआ है 2018 में फायर ब्रिगेड से, MCGM फायर ब्रिगेड से, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट मेरे मोबाइल में हार्ड कॉपीज में ला नहीं पाए क्योंकि लास्ट मिनट पे मुझे पता चला है, तो मैं आ गया, मैं सोचा कि सारी चीज़ को क्लियर हो जाए। जी सर, और कुछ इनका और कुछ जो सवाल होगा आप मुझे पूछिएगा।
सर ये स्कूल आपने बताया चौथी तक है, दसवीं तक पढ़ा रहे हैं, एक अगर बच्चों के भविष्य के लिए अगर आगे आदमी अभी कर रहे हैं इनके तो हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? बिना रिकग्निशन के आप पढ़ाओगे तो अगर सातवीं के बाद अगर बच्चे को चलो टेंथ में तो कोई और स्कूल से स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड से वो करा देते, बोर्ड में बिठा देते हॉल टिकट लेके, सातवीं के बाद बच्चा बाहर जाता है। जैसे मेरे पास एक लेटर है कि सातवीं के पास एक बच्चा 2015 में बाहर गया, उसके उसके दादा ने कैसा लेटर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका दादा बोल रहा है, ये बोलते हैं कि एक तो फीस भी पूरी लेते हैं और हम लोगों को कहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है, जिसको लेके ये लेटर है 2015 का। तो ये रिकग्निशन के बाद टेंथ के बाद अगर होता है तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, मगर सेवेंथ एट्थ नाइन्थ के बाद में कोई रिकग्नाइज स्कूल नहीं लेती, क्योंकि जब लीगैलिटी नहीं होती तो वो नहीं होता है, आप उसके बारे में पता करें। हाँ ये बार हो गया इनकी बात, आप एक 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 सवाल पूछिए इनका एक एक सवाल होगा ना, फिर आप मेरे से जवाब पूछिए। उन्होंने तीन आरोप लगाए हैं। हाँ बोलिए। पहले स्ट्रक्चर खराब है। हाँ। सेकंड आपके पास जो परमिशन पढ़ाने की है फोर्थ स्टैंडर्ड। हाँ हाँ बराबर है। नहीं तीसरा सवाल ये था चौथी के ऊपर, तो लास्ट सवाल से करेंगे ना, लास्ट सवाल से। अभी आप पहला सवाल लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में, मैंने अभी इनके अच्छा जरूरी है, हम लोग भी चाहते थे ये हो जाए। स्ट्रक्चर के बारे में पहला सवाल जो हम लोगों इन्होंने किया वो स्ट्रक्चर का मैंने अभी आपको सारे लोगों के सामने ये बताया कि स्ट्रक्चर का एक हिस्सा वो बराबर नहीं है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट करके ऑथोराइज बीएमसी अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ उसको रिपेयरिंग कराएंगे, और वो हिस्सा हमारे से निगलेक्टेड पोर्शन में था क्योंकि वो जिम के अंदर था और हम लोग उसको उस पर हमारा ये नहीं था, इसके लिए वो रह गया है, बट हम लोग डेफिनेटली उसको कराएंगे। नंबर एक। दूसरा सवाल पूछ। सर हो जाने दो। अभी एक 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 इनको आज इनके सारे सवाल इधर खड़े रह के पूछने दो, सारा क्राउड इधर मौजूद है, ये मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी चालू कर रहा हूँ, चालू। एक 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 दूसरा सवाल बोलो। सर उनका चौथी सवाल का सवाल है। बोलो ना, पूछे पहले वो बोले। नहीं नहीं मैं ये चाहता हूँ, एक मिनट, मेरा ये है कि ये जैसे सवाल किए ना उसको आप जो समझे वो हिसाब से आप मेरे से सवाल पूछो तो जवाब दो। बराबर है, उसका सवाल का जवाब अभी आपको जवाब देते हैं। मंत्रालय से मेरे पास लेटर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, फर्स्ट टू ट्वेल्थ का परमिशन है, फोर्थ तक का नहीं, फर्स्ट टू ट्वेल्थ का परमिशन है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ। और मैं आपको बता दूं एक बार और बता दूं कि ये बहुत जल्द टेंथ का इंडेक्स नंबर आने वाला है, टेंथ का इंडेक्स नंबर यही जगह पे आएगा, वही जगह पे आएगा। और एक मिनट, हाँ ये पता नहीं है, एक चीज और एक चीज अभी आप तीसरा सवाल दो। तीसरा सवाल उनका ही था। हाँ बोलिए ना, बोलिए। दो सवाल दे दिए, तीसरा कौन सा सवाल था? तीसरा कौन सा? मैंने आपको एक मिनट, हम लोग वो भी करेंगे, ये फायर ब्रिगेड का। हाँ एक मिनट, जो फायर ब्रिगेड का जो 2018 के अंदर जो सर्वे हुआ था, तो फायर ब्रिगेड का जो सर्वे हुआ था तो बीएमसी और फायर ब्रिगेड के बारे में क्या कहना है इनका? ये सुनिए, फायर ब्रिगेड ने एक सर्वे किया था, वो सर्वे इसके लिए किया था कि किसी ने इन्हीं में से कंप्लेंट किया, अभी मैं उसका नाम बोलना नहीं चाहता, हम लोग उसमें नहीं जाते, वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। एनओसी फायर एनओसी जो है उसके लिए इन्होंने किया था, उन्होंने आके हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपको फायर ऑडिट कराना है, आपको फायर सर्टिफिकेट देना है, आपको फॉर्म बी भरना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिया था। वो सारी चीज़ें हम लोग ने गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसी से, फायर ऑथोराइज एजेंसी से वो ले लिया, वो हमारे पास है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक फायर एनओसी की बात आती है कि फायर एनओसी इनके पास नहीं है, फायर एनओसी इनके पास नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। फायर एनओसी का जो आप अगर देखेंगे, अभी गूगल कीजिए, फायर एनओसी आपको उस वक्त मिलती है जबकि आपकी हाइट 15 मीटर्स होनी चाहिए, वो 15 मीटर्स पे जाएंगे, वो उधर फायर एनओसी का रिक्वायरमेंट होता है, उसके नीचे जो है वो आपको फायर लाइसेंस ऑथोराइज इससे ऑडिट कराना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना पड़ता है, और आपको जो क्वांटिटी वो लोग डिसाइड करते हैं वो करना पड़ता है, वो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से लगाया, कितने केजी का लगाना था, ए बी सी का लगाना था, वो लगाया, उसके बाद उनकी ऑडिट कंप्लीट हुई,
उनके हिसाब से पूरी चीज़ें कंप्लीट है, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि ये आपकी ऑडिट कंप्लीट हुई, ये आपका सर्टिफिकेट। आप बोलिए और कुछ बोलिए, आप भी कुछ भी बोलिए, कोई भी सवाल का जवाब दे दिया। चौथा कोई सवाल है? ये मतलब फायर डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, जो बीएमसी ने रिकमेंडेशन किया, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जो बीएमसी ने आके 7 डेज का स्पीकिंग ऑर्डर पास किया, 351 की नोटिस पास की, आके सब लोगों ने मेजरमेंट देख के जो पूरा जो वीक स्ट्रक्चर को दिखाया वो गलत है। आप लोग साथ में आके खुद उसको कवर करिए वीक स्ट्रक्चर को, वहां पे इतना वजन। एक मिनट, अभी इनका मेजरमेंट फ्लोर का सवाल हो गया, मेजनाइन फ्लोर का सवाल हो गया, मेजनाइन फ्लोर बहुत कमज़ोर है, बहुत ये है, बहुत ये। आप समझे, अभी एक महीना पहले एमपी गजानन कीर्तिकर का उधर शेड में था, सुनो, नहीं, अरे ऊपर था भाई, ऊपर फोटो है ना मेरे पास, इधर ही अब भी देता हूँ, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये क्लेरिफाई करता हूँ। हाँ, पहले मेरा क्लियर हो जाने दे, मेरा क्लियर हो जाने दे, पहले मेरा पूछ लीजिए, फिर इनको बोलने दे। ये जो बोलेंगे ना, मैं पूरी तरह से इधर बैठ के इनके सारे सवाल के जवाब देने तैयार हूँ। वही बता रहा था। एक देखिए, वो जो एमपी श्री गजानन कीर्तिकर का मेडिकल हेल्थ चेकअप हुआ था, उसमें नीचे शेड है, वो शेड में प्रोग्राम था, और ऊपर जो है वो सारे टेस्टिंग के कैंप लगे हुए, मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में इधर फोटो, वो एक वक्त में आई कैम्प, बीपी, ईसीजी, आंखों का चश्मा, ये सारी चीज़ें थी उसमें। एक वक्त में 200-300 लोग ऊपर थे, 300 नीचे थे, एक साथ 700 ऊपर नहीं जा सकते थे, 300 ऊपर थे, 300 नीचे थे, वो हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर्स पे बना हुआ। और इधर मेरे सारे पेरेंट्स बैठे, ये लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, इनको पूछे कभी जमीन दबी क्या उधर, ये सामने बैठे लाइव, ये लाइव देख के सब हो गया, ये लोग लाइव देखते हैं। इसमें से मैं आपको बोलता हूँ एक बात और मैं बोलता हूँ, एक और सवाल मेन कीजिए। ये जो बीएमसी का जो एनओसी का सर्टिफिकेट है, हाँ, हजान, मगर एक बहुत बड़े डिस्प्यूट को आप खत्म करके जाओगे, इसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाओ, इनको जो भी पूछना। अच्छा, ये सवाल ये बताइए कि जो एनओसी बीएमसी से मिली है, हाँ, स्ट्रक्चर की B20-101 में फ्लैट नंबर 101 अल खैबर बराबर, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनओसी दी गई है, वो एनओसी फैब्रिकेटेड क्यों है? हाँ, मैं बताता हूं, एक सेकेंड। और जो 1416 स्क्वायर मीटर का जो सर्वे किया है, वो B20-101 का जो फ्लैट है वो तो इतना बड़ा है नहीं, 1416 स्क्वायर किलोमीटर का तो हमारा गार्डन और आरजी एरिया और जिम वगैरह सब है। हाँ, तो ये आई एम सॉरी, ये फॉर्म में B20-101 लिख के 1416 स्क्वायर मीटर का सर्वे करा के और एनओसी को फैब्रिकेट करके एजुकेशन में दे के वहां से रिकग्निशन लिया है, उसका क्या मामला है? हाँ, भाई एकदम इनके सवाल जो है, असल में हम लोग इस बारे में पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ, सुने ना, सबके सामने भी करूँगा। अरे यार, अभी रात अपनी है, एक बात सुन लीजिए। ये जो इनका सवाल है, ये एक पहला इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि ये एनओसी इधर का क्यों है और स्कूल उधर क्यों है। नहीं, एनओसी फैब्रिकेटेड है। हाँ, सुनो, फैब्रिकेटेड का भी बता, डॉक्यूमेंट है फैब्रिकेटेड का, फैब्रिकेटेड है। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको वो करता हूँ, आप रिले करो। आप किसको भी भेजो भाई, किसको भी भेजो अभी, नहीं नहीं, गुस्सा आप नहीं करो, आप आराम से बैठो, मैं जवाब दो। फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, बिल्कुल खराब करना भी नहीं, खराब हमारा कोई पसंद हो गई, एक फैब्रिकेटेड की बात। हां, इस पे जवाब, इसमें पहला आप इसका बैकग्राउंड समझो। B20-101 पे पहले स्कूल मिल्लत नगर की यही फ्लैट पे थी, मैंने अभी इनके असल में थोड़ा ये बाद में आए ना, तो मेरे को फिर से सारे सवाल के जवाब देने गए जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। B20-101 पे स्कूल थी, फिर ये स्कूल चले गई एक बड़ी जगह पे, यहाँ पे कम जगह होने लगी, पेरेंट्स का डिमांड था कि भाई प्री प्राइमरी तक मत रहो आप, इसके आगे बढ़ो, तो हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया। उसमें बाबू भाई मरहूम को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ज़मीन दिया और उसको आगे कम्प्लीट किया। एक उन्होंने कंडीशन उसमें डाला था, मैं मेरे को एग्रीमेंट की कॉपी आपको बताऊंगा, वह एग्रीमेंट की कॉपी ये थी कि इसमें आप ये ज़मीन पे कोई भी लाइसेंस नहीं लेना। हमारा भी नया था, नया जोश था, स्कूल बनाने का था, अपना घर मॉर्गेज रखे, एक शानदार स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, स्कूल बन गई शानदार, मिल्लत नगर की स्कूल बनी, मेरी नहीं बनी।
वो जगह पे उनका एग्रीमेंट में कॉपीज में एक क्लॉज था, हमारी जगह पे आप कोई लाइसेंस नहीं लेना। तो मैं बोला बाबू भाई फिर मैं क्या करूँ, स्कूल इधर चलाऊँ और इधर लूँ, तुम अपने घर पे ले लो। तो फिर हमने घर पे लिया। उसमें एक जो इनकी बात है ना, वो फैब्रिकेटेड फॉल्टेड और फ्रॉड, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हमारे एजेंट ने वो गलती किया। एजेंट सुनो बात आपकी सब हो गई अभी, बात सुनो। ये जो वो जो था उसमें, वो एजेंट ने गलती किया। मैं एजेंट का नाम और उसकी गलती नहीं बोलूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसमें जो भी सजा मिलेगी, अगर उज़ैफा भाई बोलेंगे कि मैं तुमको और तुम्हारी बीवी को जेल में डाल दूंगा, हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है। वो नादानी में गलती हुई थी, तैयार है इसके लिए। आज वो अगर उनका दिल होता है, उन्होंने, मैं उनकी एक बड़ी बात है आपको बता दूँ, इन्होंने मेरे को दो बार बोला, ये बोले जफर भाई अगर ये तुम्हारे नाम पे साइन होती ना, तुमको अंदर कर देता था। इनका बड़कपन है कि इन्होंने मेरी वाइफ की इज्जत रखी, अपने मिल्लत नगर की एक डिग्निफाइड लेडी की इज्जत रखी, और उस पर उन्होंने केस नहीं किया। और वो आज भी वो चीज़ वैसे ही है। कभी कभी डराते हैं मेरे को, ठीक है मेरे भाई है वो डराते रहते, मगर आज तक उन्होंने रखा। और उन्होंने एक और चीज़, उन्होंने एक और बात बोली थी, हमारे पेरेंट्स भी ये बात समझ लो, उन्होंने एक और बात बोली थी कि जफर भाई अगर मैं संजीदगी से इसको करता, मैंने तुमको कंप्लेंट किया, सताया, जो भी किया हुआ, अगर मैं संजीदगी से करता तो मैं तुम्हारी रोजी रोटी ख़त्म कर देता था, मगर मैंने तुम्हारी रोजी रोटी ख़त्म नहीं किया। ये एहसान है उनका मेरे पे, ये एहसान है उनका मेरे पे, मैं हमेशा मानूंगा, नहीं मानूंगा ऐसा नहीं कि इन्होंने दो एहसान हमारे पे किए, दो एहसान किए, एक मेरी वाइफ इधर बैठी है उन पे किया, और एक हम लोग पे किया कि हमारी रोजी रोटी चल रही। एक और मैं बता दूं कि एक एहसान के साथ एक हमारा भी एहसान, जब इन्होंने मेरे को फ़ोन पे धमकी दी थी एक बार, तेरा जो भी धमकी दी थी, तो हम लोग को बहुत लोगों ने बोला भाई यही मौका है, एक काम कर इसके खिलाफ़ डाल दे, DCP में बिठाते, इधर बिठाते उधर बिठाते। मेरी वाइफ ने बोला हम लोग कभी ज़िंदगी में कोई मुसलमान के खिलाफ कोई FIR और कुछ नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, कोई DCP के पास नहीं जाएंगे कि ये बंदे को हम लोग अगर इसमें करें और ये बंदा कोई नई मुसीबत में पड़ जाए। ये हमारा किरदार था, हम लोग ने कभी नहीं किया, ना हम लोग कभी पुलिस स्टेशन पहुंचे, ना हम लोग सवाल जवाब के अंदर जो मेन मुद्दे पे रहो ना, तो क्या है ये सारी इमोशनल बात में कर लेंगे, क्या है कवरेज में मेन मुद्दा आना चाहिए। नहीं मेन मुद्दा ये भी आना चाहिए, ये जो है, जो तुमने जो एहसान किया, हाँ बोलो, ठीक है सर, आपका मेरा एहसान एक दूसरे का इक्वल बस। अब मैं ये पूछ रहा हूँ सर, क्या आपके एजेंट ने वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाला? मैं बोल रहा हूँ उसके फॉर्म तो आपने भरा ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना, सुनो ना सर, हाँ बोलो फॉर्म के अंदर एड्रेस लिखा है B20101 2007 में सर, एक मिनट रुको और एरिया लिखा है 1416 स्क्वायर मीटर, कहाँ से आया ये एरिया? सुनो वही बता, B20101 का एरिया 1416 स्क्वायर मीटर कहाँ से आया? 2007 में पहला एप्लीकेशन गया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, उसका दूसरा एप्लीकेशन आया जो आप नहीं थे। मैंने बताया एक वाक्या कि बाबू भाई को मैंने जाके मिला, बाबू भाई को अल्लाह उनको इमोशनल छोड़ो, लीगल पॉइंट बात करो, एक बात सुनो, अभी पहले है ना, सुनो बातें, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। आदमी बनाने के टाइम पे थे जो लोग, उनका नाम नहीं लेने का, इनके हिसाब से उसको फंसा के गए ना, अरे ये बोलता है तेरा अब्बा ने मेरे को फंसा के गए बोलता है, तुम्हारे 4 घंटे के अंदर कवर नहीं होगी भाई। अरे बाप रे, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला, बहुत बड़ी बात। सुनिए एक बात और बता दो इनका ये कि जब राइट टू एजुकेशन आया, मैं बाबू भाई के पास गया, बाबू भाई को बोला कि बाबू भाई अभी जो ये राइट टू एजुकेशन आया है इसमें गार्डन भी दिखाना पड़ता है, और मैंने आपको बोला एक चीज़ कि बाबू भाई उसमें ना यूरिनल भी दिखाने का। तो बाबू भाई ने मेरे को बोला बेटा काय को फिक्र करता है तू, जिम में जा, यूरिनल है उसका फ़ोटो ले और उसको डाल दे। वो फ़ोटो गार्डन का भी लिया, वो फ़ोटो उसका भी लिया, रेंटल एग्रीमेंट भी साथ में लगाया, उधर किधर भी ये नहीं बोला कि ये यूरिनल भी मेरा हो गया, मेरा इस पर कब्ज़ा हो गया। ये गलत बात, इसको थोड़ा टेक्निकलिटी को समझना ज़रूरी है। ये राइट टू एजुकेशन में आपको गार्डन चाहिए, अगर आपके पास मैदान नहीं है तो आपको BMC का मैदान बताना है कि ये BMC का मैदान है, ये आप उसको भी आप बता सकते हैं, और वह आपके स्कूल से कितना दूर है ये भी। सर तो आपने उसमें लिखा है कि ये मिल्लत नगर का गार्डन है, मैंने बीबी से 101 लिखा है? नहीं, आई एम सॉरी, उसको क्लियर कट हम लोग ने लिखा है, वो रेंटल एग्रीमेंट है,
वो रेंट पे है, वो जगह की ओनरशिप का सारे एग्रीमेंट हम लोग आपको दे सकते हैं। वो सारे एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जगह हमेशा से रेंटल जगह है, इस पे हमारा कोई क्लेम नहीं है, ना हमारा कोई क्लेम है, ना हमारे बीवी बच्चों का कोई क्लेम है, ये हम लोग हमेशा से रेंटल पे की बात नहीं है, जफर भाई सर्वे की बात है कि आपके सर्वे एग्रीमेंट जो है वो सर्वे नहीं है, सर्वे नहीं है, आप कुछ भी गलत बात कर सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्वे किया है ना? सर्वे नहीं किया भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा आप कुछ भी बोलते हो, आपके पास 2800 स्क्वायर मीटर का एग्रीमेंट है। अरे 2800 स्क्वायर मीटर का एग्रीमेंट नहीं है भाई, 2800 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट है। आपकी जो जगह है, सुनो आप बात सुनो, 16 स्क्वायर मीटर का, देखो अगर मेरी एक बात सुनो, अगर भाई का एग्रीमेंट मेरे पास है 2800 स्क्वायर फीट का, फिट का बोल रहा हूँ ना, और 1625 ग्राउंड फ्लोर और ऊपर ये, और फॉर्म में 1416 स्क्वायर मीटर लिखा है, तो वो कैसे? वो बताता हूँ, बाबू भाई लिख के भी नहीं दे रहे, बताता हूँ भाई सर्वे बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ तो सुनते ही नहीं तो क्या करेंगे, ऐसा तो पूरी रात जाएगी तुम्हारे सवाल पूछते पूछते। ये बात है कि उसमें मैंने बताया कि जब गार्डन का बताना जरूरी है तो गार्डन का एरिया भी बताना जरूरी है, वो गार्डन का एरिया है, उस पर अगर ये भाई साहब यहाँ से किधर से भी एक फॉर्म लेकर आए और अगर ये बता दे कि इस पर जफर ने ये लिखा है कि ये फेरी रिलायंस स्कूल का है, इस पर हम लोग अपने ओनरशिप डाल रहे हैं, ये सब बताने के कुछ फायदा है। मिल्लत नगर का ग्राउंड लिखा हुआ है क्या? अरे मिल्लत नगर का ग्राउंड है, मिल्लत नगर का लिखा हुआ है, उस पर एग्रीमेंट भी है, साथ में रेंटल एग्रीमेंट है। चलो जाने दो ये बात को, ये फॉर्म सबके पास है ना? चलो लास्ट सवाल मेरा, आपका कितना रेंट बाकी है जफर भाई? अभी मैंने आपको बताया इनके आने से पहले, सारे सवालों के जवाब में इत्तेफाक पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं सुन लो, सारे इनके सवालों के जवाब इत्तेफाक से मैंने इनके आने से पहले दे दिया, वापस दे दो। हाँ वापस देता हूँ। कोविड के पहले तक पानी दो, कोविड के पहले तक हम लोगों का एक साल का रेंट भी ड्यू नहीं होता, कोविड के बाद हमारे दो साल का रेंट जो है वो सबका, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम में आया, हमारा भी आया, उसमें से भी पार्ट पेमेंट हो गया है। और मैंने ये भी बताया रेंट बचा है, वो जितना रेंट आपको समझ मैंने बताया, मैं भी बताता हूँ, 25 लाख बोला था, हाँ 25 लाख बाकी है, 25 लाख रेंट बचा है दो साल का, तो दो साल की बच्चों की फीस बाकी रखी है हमारे मिल्लत नगर, इधर ही है, इधर ही है, देखो आप पूछ लो इधर ही है, बताओ है, दो साल की पूछो, ये देखो दो साल की बैलेंस, कोविड के पहले की भी है, सुन लेने दो इसको, सुन लेने दो, कोविड के पहले की भी है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, ये सारे रिलैक्स। अरे बहुत बच्चे है भाई वो, अरे अभी क्या सब नंबर्स नहीं दूंगा भाई, नंबर दूंगा ना, सब दूंगा। अभी आप पूछो प्रॉब्लम, सवाल पूछ लो आराम से, सवाल पूछो, हाँ से पहले आराम पूछने दो, पूछो बोलो जी, खड़े होकर पूछो, आप भी कैमरा में आ जाओ, हमको स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल्लत ताली बजा, ताली सबसे पहले ताली बजा, स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर बोलो, आगे बोलो, सुनो आगे बोल रहे, हमने लेटर ऑफ इंटेंशन फेडरेशन ने ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, वो लेटर ऑफ इंटेंशन में कि हमें लीगल स्ट्रक्चर, बच्चों के लिए जो जान का जोखिम है वो नहीं होगा, लीगल रिकॉग्नाइज स्कूल मिल्लत नगर फेडरेशन मिल्लत नगर के नाम पे चलाएगी बे, इंशाल्लाह चलाएगी भाई, इंशाल्लाह मिल्लत नगर के नाम इंशाल्लाह चलाएगी, वहाँ पे सर्वे, वहाँ पे कोई भी सर्वे, कोई भी चीज जो भी हो मिल्लत नगर का होगा, मिल्लत नगर के हर बच्चे को, हाँ मिल्लत नगर के हर बच्चे को, मिल्लत नगर के हर बच्चे को जैसे जिम में डिस्काउंट मिलता है वैसे डिस्काउंट, यहाँ पे अभी सुनो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, अगर मिल्लत नगर के है अप्लाई नहीं कर, हाँ ये बात है वो अच्छा स्कूल है, एक बात और लीगल, एक मिनट ये इनके बड़े बेटे का बोलना, उनके हाथ में माइक दो मेरा बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10वीं से पास हुआ है, पहला बच्चा, दूसरी बेटी मेरी 10वीं से वहाँ पास हुई, थर्ड अभी
यहाँ पे स्कूल में जो भी इल्जामात लगाए गए वो सब गलत है और हमारे सफर सर हमारी रोहन मैम हमारा बहुत साथ देते हैं स्कूल की फीस में भी बहुत हमारे ये स्कूल नहीं है एक फैमिली है समझ में आया आपको माई हाँ ये बात है क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हैं मिलन नगर वाले लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलता है मेरे बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं टीचर्स ने बोले ना जफर भाई ने बोले सेकेंड थिंग पूरे जोगेश्वरी में क्या पूरी मुंबई में बता दो कि प्राइवेट स्कूल में बेवा और तलाक लड़कियों के बच्चियों को फ्री एजुकेशन कोई प्राइवेट स्कूल देती है हम लोग देते सफर भाई देते थर्ड थिंग 3-3 साल की फीस पेंडिंग है मेरे ट्यूशन के 6 बच्चों की फीस पेंडिंग है सफर भाई के पास और उन बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और पार्टली पार्टली पे कर रहे सफर भाई एक्सेप्ट कर विदाउट वन डे ऑनलाइन भी आ रही है पेपर भी सबमिट हो रहे हैं इवन 8 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं एक मिनट क्या कोई कब्जा करने की बात हम सभी लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं हम खुद हमने पूरी पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बापों ने जहां से लाना चाहा जैसे भी पढ़ाया ये फेडरेशन का इंटेंशन है कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर मिल्लत नगर की स्कूल आए क्योंकि यहाँ पे इलीगल जो कोर स्ट्रक्चर है अगर कभी गिरेगा तो उसके हादसे के जिम्मेदार क्या कौन होगा मैं ये इम्पोर्टेंट है दूसरी एक चीज ये है कि ये रेट के अंदर बहुत सी स्कूल आसपास के इलाकों के अंदर है हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत खुश है ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह और कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी है जो बहुत नाराज है 2 महीने की फीस नहीं देने की वजह से आनंद नगर के अंदर एक बच्चा है जिसको 10th का रिजल्ट तक नहीं मिला है ए जरा बोलो इसको दे दो माइक दो एक महक का महक वो भी एक मामला महक है का केस। वो भी एक मामला है और भी सारे मामले ओवरऑल जो भी मुद्दे है वो बच्चों की सिक्योरिटी बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो गलत सर्वे 1416 square meter पढ़ाने का परमिशन नहीं मिल सकता आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पता कर लीजिए और नहीं मेजरनेम का मतलब आपको पता है मेजरनेम का मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर ये लो भाई यह मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है या बच्चों का सवाल है आपकी राइट जो एक मिनट बोलिए आप राइट ये बच्चों का सवाल है हम मानते हैं आप क्या कर रहे हैं आप सिर्फ मिल्लत नगर की बात कर रहे हैं पूरे बच्चों की बात करें पूरे एडजॉइनिंग एरिया के आप सिर्फ मिल्लत नगर की कंसेशन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जबकि सर पूरे एरिया में जो जरूरत है एक रिक्वेस्ट खाली करें गरीब है उन सबको कंसेशन दिया जाता है भाई 1400 रुक जाओ समझ में आ गया वो महक जो एक स्टूडेंट है 10th सेनेट की जिसको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है वो बच्ची हमारे पास आज 7th सेनेट तक पढ़ी है और उसकी फीस क्या है 15,000 रुपए में पढ़ी है वो बच्ची 15,000 में जहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं देती एडमिशन बुक यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैंने जब ये उज़ैफा पटेल नहीं आए थे मैंने आपको बोला था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि ये जगह पे हमारा ज़िंदगी भर एक इंच पे भी क्लेम नहीं रहेगा हम लोग हमेशा से रेंट पे थे रेंट पे ही रहेंगे आज मैं आपके सामने मैंने पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट किया हूँ उज़ैफा पटेल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फितने को आप हमेशा के लिए ख़त्म करो हम लोग का ये जगह पर कोई कब्ज़ा नहीं है आप मेरी साइन लो मेरी बीवी की साइन लो अगर उसके बाद मेरे बच्चों की नीयत बदल जाए तो मेरे बच्चों की भी मैं साइन करा के देता हूँ हमारा मिल्लत नगर की ज़मीन पे कोई क्लेम कभी भी ज़िंदगी में नहीं रहेगा हम रेंट पे ही थे और रेंट पे ही रहेंगे ठीक है ओके बैकअप कर दिया
बैकअप कर रहे हैं। वेलफेयर होने की हैसियत से ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो कंडीशन है थोड़ा उस पर जो कंडीशन है स्कूल की, जो मेज़ाइन फ्लोर की जो कंडीशन है, तो वो वाकई में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि टेक्निकली हम चीज़ों को जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे पास कोई अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट होगी। ये आज जो भी बात हुई है मिस्टर हुज़ैफ़ा पटेल और मिस्टर ज़फ़र भाई के सामने, जो भी बात हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, वो सब ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे दर्ज हो चुका है। ना ज़फ़र भाई कोई बात से मुकर सकते हैं अभी, ना मिस्टर हुज़ैफ़ा मुकर सकते हैं, ना ही कोई लोग यहाँ जो बैठे हैं। मैं खुश हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन यहाँ पर मसला ये नहीं है। देखिए, वो एक टेक्निकल चीज़ है, ये है, कब्ज़ा है। यहाँ पर मेरा कंसर्न, जो मेरी सोच है वो ये है, अल्लाह नहीं करे, खुदा ना खास्ता, अगर कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। आज हमारे बच्चे के पैर में कील भी लग जाए तो हमारी जान गले तक आ जाती है। अल्लाह नहीं करे कोई हादसा हो जाए, कोई मामला पेश आ जाए तो क्या होगा। उस वक्त उसके लिए मैंने हुज़ैफ़ा भाई से मिला भी था, हमने ये बात भी की थी, हुज़ैफ़ा भाई ये है, और ये वाकई में एक बहुत रिस्क फैक्टर है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सब है, सारी चीज़ है, तो भी हम जहाँ चार लगते हैं वहाँ छः और एक्स्ट्रा पिलर्स, एक्स्ट्रा जो भी ज़रूरत है वो कर लेंगे। हुज़ैफ़ा भाई ने कहा कि बिल्कुल आप करा लीजिए। वो ऑलरेडी मिस्टर ज़फ़र भाई को ये कन्वे कर चुके हैं हम लोग ने। मिस्टर ज़फ़र भाई ने एक आर्किटेक्ट भी अपॉइंट किए जो इंटायर लेआउट बना के देगा। अब उसके अंदर एक समस्या ये आ रही है, जो मेजर परेशानी है स्कूल को बनाने में, एक हिस्सा स्कूल का जिम के अंदर है, एक कॉर्नर जिम के अंदर पड़ता है जो बनाना है, जो जिम के अंदर से जिनकी फोटोग्राफ, जो बाथरूम की तरफ से जो फोटोग्राफ वगैरह निकाली है वहाँ पर है। तो मैंने ज़फ़र भाई को ये बोला था कि ज़फ़र भाई के पहले फिलवक जो है आप काम स्टार्ट कराओ, आर्किटेक्ट से अप्रूवल लेके काम स्टार्ट कराओ, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न छोटे छोटे बच्चों का है। ये सब बातें यहीं रह जाएगी, क्या फीस थी, किसने कब्ज़ा किया, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अगर वो मासूमों की जान को कुछ हो गया तो कौन जवाब। तो मेरा कंसर्न है पहले हम इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर लें, फिर इंशाल्लाह। देखो, आखिर में मैं यही बोलूँगा कि हम लोग सब एक हाथ के पांच उंगलियाँ हैं, भले साइज छोटा बड़ा क्यों ना हो, मगर जब अब तक हम लोग एक साथ में हैं ये हमारी ताकत है। अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारे को हर कोई गिराएगा, हर कोई कमज़ोर करेगा। तो एक दूसरे की कमज़ोरी ना बनते हुए एक दूसरे का सहारा बनो और ये मामले को जितना हो सके इसको अमेकेबली हल करके ख़त्म करो। और रही बात फीस की, तो फीस का ऐसा है कि फीस की मेरी भी इसके ये डिस्कशन मेरी हुई थी, ज़फ़र भाई से भी हुई थी, हुज़ैफ़ा भाई से भी हुई थी, नियर अबाउट मेरे हिसाब से 21 to 25 lakh रुपीस आना बाकी है। बट लेजर जो है वो हमने मांगा है अकाउंटेंट से, ताकि हमको पता चले कि एग्जैक्टली कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। मैं इस पोस्ट पे 6 महीने से हूँ, उससे ज़्यादा से नहीं है, और ये मामला चैरिटी कमिश्नर में था, तो इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था अकाउंटेंट को देने के लिए, ताकि वो अकाउंट्स ऑडिट वगैरह ये सब कर सके। एक तो पहले से ट्रस्ट है, ऊपर से और नंगे भुक्के और जेब में से डाल रहे पैसा, तो ये वो कंडीशन थी। तो अगर किसी को कोई इसके बारे में अगर कोई चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मुझे बेशक लेटर लिखिए और मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।